फ्रंट मड गार्ड गाइस यार इसका प्राइस है 15 के। ऐसा होता है कि काफ़ी फोर्स है, जब बाइक गिरती है तो ये टूट जाता है। जितनी बार आप इंजन ऑयल चेंज कराओगे ना उतनी बार आपको वो डलवाना पड़ेगा, क्योंकि वो आप भी करवाया करो। उसका प्राइस आपको पड़ेगा 250। तो हे फैमिली वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। तो गाइस ये रही यार अपनी वैनम। तो गाइस आज मैं आपको ना R15V4 के ना स्पेयर पार्ट्स का प्राइस बताऊंगा। ये वीडियो का पार्ट टू है, पार्ट वन मैंने थोड़े दिन पहले अपलोड कर दिया था, तो आज पार्ट टू है। गाइज मैं आपको ना 1500 से नीचे ही जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनका प्राइस बता रहा हूँ। 1500 से जो ऊपर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो गाइज 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगा मैं और, जिसमें इसके पूरे स्पेयर पार्ट्स का हम प्राइस कवर कर लेंगे। तो गाइज यार अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, मैं आपको जो प्राइस बताऊंगा ना वो 100-200 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस राइडर फुटरेस्ट, गाइस इसका प्राइस ना आपको पड़ेगा 500 सिर्फ सिंगल का, ठीक है। दोनों का आपको 1000 पड़ जाएगा। फिलहाल ये डलवाता तो कोई है नहीं है, ठीक है, बाई चांस अगर एक्सीडेंट से टूट जाए ना फिर तो डलवाते हैं, तो तब आपको इसका सिंगल का प्राइस पड़ेगा 500। तो गाइस अब है सेकेंड चीज़, वो भी यहाँ नीचे ही है, ठीक है, वो है इसका डबल स्टैंड। गाइज वो लगता तो है इसमें, पर यार वहाँ पे नीचे जो स्क्रू दिख रहा है ना बड़ा तामझाम करना पड़ता है, चाबी पानों से खोलो वगैरह करो फिर जाके वो लगता है, ठीक है, पर लग जाता है। और उसका प्राइस आपको पड़ेगा 1100 या 1200, ठीक है, 1100 उन्होंने कंपनी ने बताया। मैं आपको 1200 ज़्यादा ही बता रहा हूँ, कहीं कहीं ऊपर नीचे हो जाता है ना प्राइस तो उसमें ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल तो गाइज वो लगाने की ना जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि उससे बाइक ना बेकार लगती है, खासकर R15 V4, इसलिए सिंगल स्टैंड रखो वही बेस्ट रहता है। तो गाइज अब थर्ड चीज़ है यार, अब मुझे पता नहीं है इसको साइलेंसर गार्ड बोलते हैं या क्या बोलते हैं, पर ये जो पूरा लगा है ना सिर्फ ऊपर वाला, ठीक है, इसका प्राइस आपको पड़ेगा 700 सिर्फ इसी का प्राइस। ये प्लास्टिक है फिर भी आपको इसका प्राइस पड़ेगा 700। फिलहाल ये टूटता नहीं है यार, किसी का भी बाइक गिर भी जाएगी ना तो यहाँ से वगैरह डैमेज होती, ये टूटता नहीं है। पर कभी कभी इनकेस ऐसा होता है कि काफ़ी फोर्स है, जब बाइक गिरती है तो ये टूट जाता है, तो अगर आप ये डलाओगे तो ये आपको पड़ेगा 700 का। तो गाइस अब फोर्थ चीज़ है इसका इंजन ऑयल। गाइस वो तो मैंने थोड़े दिन पहले खुद चेंज करवाया था क्योंकि मेरी बाइक की सर्विस थी ना, तो गाइस उसका प्राइस है 520 रुपीज़। वो प्रिंट है उस पर बॉक्स पे उसके, तो वो आपको सारी जगह सेम ही मिलेगा 520 रुपीज़। और गाइस आप भी वो टाइम टू टाइम बाइक में डलवा लिया करो, वो काफ़ी कंपलसरी और काफ़ी ज़रूरी है। अब गाइस फिफ्थ है ऑयल फिल्टर, गाइस वो यहाँ पे डलता है, ठीक है, जितनी बार आप इंजन ऑयल चेंज कराओगे ना उतनी बार आपको वो डलवाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है डलवाना, ठीक है। तो उसका प्राइस है 240, उसका भी प्रिंट होता है प्राइस उसके पैकेट पे लिखा होता है, तो वो भी आपको सारी जगह सेम पड़ेगा। तो गाइस वो भी काफ़ी ज़रूरी डलवाना, तो आप भी वो डलवा लिया करो। तो गाइस अपना सिक्स चीज़ है इसका एयर फिल्टर, गाइस वो डलता है इसका टैंक खोल के ना नीचे डलता है यहाँ पे एयर फिल्टर, तो गाइस वो भी काफ़ी कंपलसरी है, वो भी टाइम टू टाइम चेंज करवाना पड़ता है, तो वो आप भी करवाया करो। उसका प्राइस आपको पड़ेगा 250, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होता है तो उस पर प्रिंट होता है प्राइस उसके पैकेट पे लिखा होता है, तो वो भी आपको सेम प्राइस मिलेगा 250 का। तो गाइस अब सेवन चीज़ है इसका फ्रंट मड गार्ड, गाइस यार इसका प्राइस है 1500। आपको पता है अगर बाइक ना आगे कहीं बजती है ना किसी के साथ, किसी गाड़ी के साथ या किसी बाइक के साथ बजती है ना, तो सबसे पहले आपको पता है फ्रंट मड गार्ड टूटता ही टूटता है। तो गाइस अगर आप ये चेंज कराओगे ना तो आपको ये सिर्फ 1500 का पड़ेगा। इसका प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैंने जो आपको प्राइस बताया वो 100-200 ज़्यादा ही है। तो गाइस अब एट चीज़ है इसका गियर, ये जो आपको दिख रहा है ना ये सिंगल, गाइस इसका प्राइस आपको पड़ेगा 600। फिलहाल यार ये टूटता तो नहीं है, अगर बाइक गिरती भी है ना बंदों से तो ये फेयरिंग वगैरह ये यही टूटते हैं, गियर टूटता नहीं है। अगर बाई चांस किसी से टूट भी जाए, ठीक है, तो आप चेंज कराओगे तो आपको ये 600 का पड़ जाएगा। तो गाइस यहीं तक था आज का वीडियो। अगर आपको ना R15 V4 के किसी भी बॉडी पार्ट, मेरा मतलब स्पेयर पार्ट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और कमेंट नहीं करोगे तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना, यहाँ पे ऊपर आपको आईडी आ रही होगी। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो, बाय बाय।